हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल आपने देखा होगा कि हम पहुंच गए थे बहुत ही अच्छे से और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे। अभी शाम में वापस आए हैं, आज इनका डे वन था और मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, देखो हालत देख रहे हो आप। नहीं, मैंने कैमरा मोड़ दिया है। सो अभी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। तो जैसे हमने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या सामान लेके आए हैं इंडिया से, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलो अब जो भी है वो चीज़ें अनबॉक्स खोलते हैं बैग अपना और आपको दिखाते हैं। आपको कुछ बोलना है? यस, तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस। बहुत सारी सामान आपको ना, जब इंडिया से रियाद आना है तो बहुत सारा सामान आपको लेके आना है। अगर आप तो शॉर्ट टर्म विजिट के लिए आ रहे हो तो आपको जरूर सामान लाए। अगर आप लॉन्ग टर्म विजिट के लिए आ रहे हो, एक साल दो साल, तो आप जितना भी सामान लाओगे वो ऑफकोर्स कम पड़ जाएगा। तो इंडिया से यहाँ क्यों लाना है? पहली बात, यहाँ पे एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, तो जिन लोगों की सैलरी ज्यादा नहीं है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो सामान यहाँ लेके आए। आटा, चावल वगैरह बेसिक जो है 3-4 किलो लेके अगर आप 3-4 महीने के लिए आ रहे हैं। और जो चीज़ें हम नहीं लाए हैं, जो हम यहाँ से लेंगे, वो आपको वीडियो के एंड में बताएंगे कि कौन सी चीज़ें हम यहाँ से लेने जा रहे हैं और उसका एक ब्लॉग भी बनाएंगे। सो इस ब्लॉग को लास्ट तक देखना फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स अनपैक द बैग। ओके, हमारी हो गई अनबॉक्सिंग स्टार्ट, अनपैकिंग। तो जो लिया वो तो पैक कर दिया, अब हम अनपैक करके आपको दिखाएंगे। सो ये हमारा बेसिकली ये 3 महीने का सामान है। अब मेरे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना चलेगा। 3 महीने चलना चाहिए एज पर दी कंपनी। और तो ये 3 महीने के समृद्धि के कपड़े हैं, थोड़े मतलब 80% ये हम नहीं, अभी थोड़ा। अच्छा, सच में? हाँ, 80% इसमें तो है ही नहीं। और ये डोरमैट मिला है, लिया मतलब वहाँ पे इंडिया में अच्छा नहीं मिलता है, सऊदी में अच्छा नहीं मिलता डोरमैट। अरे क्यों? और ये समृद्धि का ट्राइपॉड फाइनली आ गया। सही में अब यहाँ पे ये रील्स भी बनाई, शूट करेगी। मिलता कैसे ये? पता नहीं कैसे लॉक किया हुआ मैंने, अनलॉक करना। ये देखो इसके चिप्स, चलो गिनते हैं। 1, 2, 3, 4 जल्दी। 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नहीं है। 11 चिप्स। तो हम लाए हैं एक कुकर लाए हैं हम, एक पैन लाए हैं, कढ़ाई लाए हैं और ये सारे मसाले हैं 3 महीने के हिसाब से। और ये है हमारा दूध जो कि अभी काम आने वाला है, बिकॉज ये हम टेट्रा पैक लाए थे, बिकॉज जो मेरा जो दूध मैंने यहाँ रख के गया था जो मैं फ्रिज में, वो खराब हो चुका है। तो अब इसकी हम चाय बनाएंगे अभी के लिए। ये मसाला का डिब्बा, विम्बर, चने, ग्रीन टी 200 पैक। और ये हमारे ससुराल से आया, मेरे ससुराल से राजमा, भद्रवाह के राजमा है, ये खेतों से निकले हुए हैं। दिस इज रियल भद्रवाह के राजमा, जो आपको टेस्ट नहीं करवा सकते। इसमें क्या है? कुछ तो भरा है इसमें। ये इसमें क्या है? कड़ी पत्ता? नहीं, खुशबू तो बहुत बढ़िया। क्या है? देखो मुझे आदि तो साबुन की खुशबू, विम की खुशबू आ रही है, क्या है? बट तो आज हमने कुछ चीजें ऑर्डर की हैं, फटाफट अनबॉक्स कर दी हैं। तो ये है, हमने जिम बैंड्स मंगवाए हैं, ये रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम यहाँ पे जिम, काफ़ी एक्सपेंसिव की बात भी नहीं है एक्चुअली, क्या 3 महीने का ले सकते हैं, रुक जा हद होगी, तो 3 महीने का ले सकते हैं। हमने नहीं लिया जिम विम, कोई जरूरत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसी से करेंगे, हमारी डाइट स्ट्रॉन्ग रखेंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्मृति खोल रही, दिस इज द योगा मैट विच वी हैव ऑर्डर। बिल्ली पता नहीं कहाँ से आई जा रही है आज। एनीवेज चलो, सो ये है योगा मैट और ये बहुत ही प्रीमियम वाली मंगवाई है मैंने, सो दैट हम इस पर अपना कार्डियो सेशन कर सकें, ये वेट ट्रेनिंग कर सकें, ये सब कर सकें। लेट्स ओपन इट। हाँ जी सर। बोला तो उन्होंने बड़ा था एंटी स्किड, ये तो स्किड कर रही है, ये क्या स्किड नहीं कर रही है? ऐसे नहीं होगी, ये वैसे ही होगी शायद। क्या बात,
फिर उल्टी होती है क्या बात कर रही है। डिजाइन तो ऊपर ही होगा ना, नीचे तोड़ना होगा। बट ये बिल्कुल भी एंटी स्किड नहीं है, है ना। और तीसरी चीज मंगवाई हमने ये है इलेक्ट्रिक डिस्पेंसर। मतलब हमारे पास जो है ना 20 लीटर की बोतल होती है तो पानी निकालने में मुश्किल होती है, तो हम इसको लगाएंगे तो और विद हेल्प ऑफ से डालेंगे एंड बैटरी, इसमें बैटरी इसे चार्ज करेंगे एंड यहाँ पे पंप लगेगा और इसके थ्रू पानी बाहर आएगा। यस, सो तीन इंपॉर्टेंट चीजें मंगवाई है। कोई बोतल ऐसे टेढ़ी करो निकालो मुश्किल। तो गाइस वो जो हमने आपको लास्ट सीन में दिखा रहा है इलेक्ट्रिक डिस्पेंसर, वो एक्चुअली क्या ना वो खराब निकला था, तो अमेजोन से मैंने रिटर्न किया, मैंने नया मंगवाया। दिस इज द ब्लैक एंड व्हाइट, वो व्हाइट एंड ब्लैक था काइंड ऑफ। तो ये सिमिलर यही प्रोसेस है, इसको यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से इसकी ये वायर है, इसको यहाँ लगाते हैं। ये देखो ये लग गया। ये तीन चीजें मिलती है, एक दो तीन। तो ये लगाया और ये पानी ऐसे, यहाँ पर है इसका बटन, तो इसको यहाँ से बटन प्रेस करूंगा तो पानी निकलेगा। ऑन ऑफ सेम जगह से होता है यहीं से। बस पानी वेस्ट नहीं करो, ठीक है। औद्योगिक लोगों को ही तो दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया, और अगर बटन इसका ऑन है तो ये येलो सिंबल आता है, ठीक है। अभी देखो पानी खत्म होगा तो आवाज चेंज हो जाएगी, और जब इसमें चार्ज खत्म हो जाता है तो यहाँ पर रेड सिंबल आने लग जाता है, यहाँ पे ये रेड रेड लाइट होती है। तो फिर अब इसको यहाँ से चार्ज भी कर सकते हैं नॉर्मल का यूएसबी के चार्जर साथ में मिल जाता है इसके। चार्जर भी वायर भी इसके साथ में मिल जाता है। अभी हम इसको रखेंगे उधर। अरे तो ये इसका जो रेट है, इसका जो रेट है ये मुझे अमेजोन पे पड़ा 16 रियाल्स का, और ये जो बॉटल है ये हमें यहाँ पे 10 रियाल की मिलती है। और राइट, तो अभी मैंने आपको सब चीज़ें बताई कि हमने इंडिया से क्या लाई है और आप लोगों को क्या लाना चाहिए। एक्चुअली जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं, तो आप वो चीज़ें ला सकते हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे मिलती ही नहीं है, लाइक मैगी नहीं मिलेगा आपको, जो इंडियन मैगी है, जो आपको जो हम इंडिया में मैगी खाते हैं वैसे उस टाइप की मैगी नहीं मिलेगी। और आपको दालें वाले मिल जाती है, हम दालें नहीं लाए हैं, तो आप दालें भी ला सकते हो अगर आपके पास ओवरऑल वेट आपकी फ्लाइट में है, लाना चाहते हो तो ला सकते हो। और दूसरी चीज, यहाँ पे चिप्स आपको अपनी मनपसंद के नहीं मिलेंगे। मैगी तो यहाँ पे नहीं मिलती, लाइक यहाँ पे एग चिकन मैगी, एग मैगी मिलेगी, बट अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको स्मेल आती है। हमने लाई थी एक मैगी, तो उसमें इन्होंने लाई थी, ला के रखी थी, तो मैंने वो ट्राई की, बट स्मेल तो आएगी। सो आप प्रेफर करें कि अगर मैगी वगैरह आप खाते हो तो आप इंडिया से लेके आओ, या आपको चिप्स वगैरह जो भी है, जैसे बच्चे भी होते हैं आप लोगों के साथ में, वो चीजें आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, बट ज्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। और जो चीज की क्वालिटी होगी वो तो बढ़िया होगी, बट टेस्ट बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि आपको लेस सेम मिलेंगे यहाँ पे, लाइक चीजें है ना। आप जैसे लिक्विड चीज भी लाना चाहते हैं, लाइक ऑयल लाना चाहते हो, ऐसे यहाँ पे सब मिल जाता है। कोई घी लाना चाहता है, घी यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि हम आधा किलो का शायद डबल रेट में मिल जाएगा या उससे ज्यादा ही मिलेगा जो इंडियन चीजें। तो प्रेफर करें कि पैक चीजें लाएं, आप ओपन घी नहीं लाओ, क्योंकि वो कभी भी लीक हो सकता है, कभी भी एयरपोर्ट में कुछ हो सकता है, क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से भी लीक होती है बहुत सारी चीजें। तो कोई भी चीज लाओगे तो वो पैक लाना, वो सेफ है, और चेक इन बैग में लाना, मतलब ऐसा तो कोई पूछता नहीं है, सो सेफ है। प्लीज हमारे ब्लॉग पे कमेंट करो कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस है, आपकी क्या क्या क्वेरीज है, उसके रिगार्डिंग हम अपने ब्लॉग आने वाले ब्लॉग्स में आपके आंसर भी करेंगे, ताकि आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो और हम भी एंजॉय कर सकें। यस, तो थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यहाँ पे बोलते हैं शुक्रान, अलविदा, मासलामा, टेक केयर, बाय बाय।